अरे भक्ति हीन व्यक्ति वैसा ही है जैसे बिना नाक की कोई स्त्री हो। एक सुंदर महिला है, सारा श्रृंगार कर लो और बाद में उसकी नाक काट लो तो बिना नाक के उसकी सुंदरता भी काम करेगी? जैसे बिना नाक की नक्कटी महिला अशोभनीय है, उसी प्रकार बिना भक्ति के मनुष्य अशोभनीय है, उसकी कोई शोभा नहीं है। भक्ति के बिना आदमी मुर्दा, भक्ति के बिना जीव कैसा है? मुर्दा। इसलिए भक्ति हमारी नाक है, तो भक्ति जीवन में हो। आजकल लोग भक्ति की परिभाषा ही बदल चुके हैं। दो अगरबत्ती जला देते हैं, उन्हें लगता है पूजा हो गई, यही भक्ति है। दो अगरबत्ती जला दिया, भक्ति मान लेते हैं। ना जी, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति का मूल अर्थ क्या है? ये जरा समझने की बात है। किसे कहते हैं भक्ति? भक्ति का अर्थ सिर्फ दो अगरबत्ती नहीं। अगरबत्ती तो हम सनातनियों को जलाना ही नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में अगरबत्ती में बांस होता है, पर हम हिंदुओं को बांस नहीं जलाना चाहिए। हमारे यहाँ बांस की पूजा होती है। हर छठ महुलिया को किसकी पूजा होती है? बांस की पूजा होती है। आप लोग करते हैं, वंश पूजा बोलते हैं। हर छठ महुलिया को बांस की टोकनी भी देना लेना लोग करते हैं। तो बांस नहीं जलाते हमारे यहाँ। हमारे यहाँ धूप जलाने की पद्धति है। क्या जलाना चाहिए? अगरबत्ती नहीं, क्या जलाना है? धूपम समर्पयामी है, अगरबत्तीम समर्पयामी नहीं है। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा, धूप दीप तुलसी से। यहाँ अगरबत्ती नहीं है। अगरबत्ती तो लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार जलानी शुरू कर दी, क्योंकि पहले जमाने में धूप ऐसी आती थी कि उसको हाथ से जरा मसलना पड़ता था, तो लोगों के हाथ गंदे होते थे। तब लोग, अब तो सूखी धूप भी आ गई, अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। लेकिन आजकल लोग अगरबत्ती जला के लोगों को लगता है हम पुजारी, बहुत बड़े भक्त हैं हम भगवान के। हमारी माताएं एक लोटा जल चढ़ाती हैं माता जी को, उनको लगता हम बहुत बड़ी भक्त हैं। नवरात्रि चल रही है, माताओं का हाथ पूज पाए तो पूज पाए माता जी तक, नहीं तो शेर के मुंह में मिठाई चिपका देती है। माता जी के मुंह तक हाथ पहुंचता नहीं है, नहीं माता जी के मुंह को ही बिगाड़ दे पूरा मिठाई चिपका चिपका के। माताओं को लगता मिठाई चिपका देंगी तो माँ खा लेंगी। शंकर जी के मंदिर में नंदी जी के मुंह में चिपकी रहती है मिठाई, माता चिपका देती है। आपके घर में माता जी की फोटो है, उस फोटो के माथे पे ऐसा तिलक लगाया, ऐसी रोली लगाई, कुमकुम लगाया कि माता जी का फोटो से माथा ही गायब हो गया, खत्म, डिलीट हो गया। और इसको वो समझती हैं कि हमारी भक्ति है। ये भक्ति नहीं है, पागलपन है, मूर्खता है। बिना ज्ञान की भक्ति किस काम की? भक्ति क्रिया का नाम नहीं, समझो। तिलक लगाना ये क्रिया हम कर रहे हैं ना, हमसे क्रिया हो रही है। तिलक लगाना, धूप फूल चढ़ाना, फलानी चीज चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, जल चढ़ाना, ये क्रिया है। जबकि भक्ति का क्रिया से कोई लेना देना नहीं। भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा क्या है? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। नारियल चढ़ाना भक्ति नहीं है, मिठाई चढ़ाना भक्ति नहीं है, पैसा चढ़ाना भक्ति नहीं है। एक लोटा जल चढ़ा देना माता जी को, शंकर जी को, ये भक्ति नहीं है।
भक्ति क्या है? ये तो कर्म कांड जो आप कर रहे हैं, वो भी गलत ढंग से कर लेते हैं आप लोग। भक्ति क्या है वो समझो, भक्ति बताओ। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से क्या किया था? बोलो मेरी माँ, जोर से। गोपियों का भगवान से क्या था? क्या था? शबरी का भगवान से क्या था? केवट का भगवान से क्या था? क्या कभी केवट ने भगवान को जल चढ़ाया सिर से? ना जी, जब आए तो चरण धोए। क्या कभी शबरी ने भगवान के मुंह में मिठाई चिपकाई? जरूरत ही नहीं। भक्ति का अर्थ नारियल चढ़ाना नहीं है, जल चढ़ाना नहीं है। जल चढ़ाना चाहिए किसे? हमारे यहां जल केवल सूर्य भगवान को चढ़ता, भगवान शंकर को, शिव को भी जल चढ़ता। भगवान शिव को जल चढ़ता है, सूर्य भगवान को जल रोज सुबह चढ़ाना। हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को जल किसे चढ़ाना चाहिए? पहला जल किसे? सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, सूर्य भगवान को। जैसे आपके घर में मंदिर है छोटा सा, लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम भगवान है, तो उन्हें एक थाली में रखो तुलसी के ऊपर और फिर उन्हें स्नान कराओ। वो स्नान कराना, स्नान कराओ, कपड़े से पोंछो, उनका श्रृंगार करो, बिठाओ, भोग लगाओ। वैसे ही करना है जैसे एक माँ अपने बेटे को नहलाती है, नहलाकर पोंछती है, पोंछकर कपड़े पहनाती है, फिर बच्चे को खिलाती है। उसी तरह भगवान के प्रति भी वही भाव हो कि भगवान हमारे अपने हैं, और एक प्रेम हो, भगवान से एक संबंध हो, रिश्ता हो, फॉर्मेलिटी ना हो, है ना। मेरी माँ, भक्ति एक प्रेम का सब्जेक्ट है। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। जहां प्रेम है वहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी। क्यों? जहां फॉर्मेलिटी है वहां प्रेम नहीं है। आप अपने बेटे के लिए क्या आप ये कहती हैं, आप बैठिए, आप खा लो बेटा? ऐसा नहीं, ए तू खा ले बेटा, कहाँ है, खाया क्यों नहीं अभी तक? भोजन रख दिया था ना, खा ले जल्दी से। माँ अपने बेटे से कैसे बात करती है? एक बात होती है, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है ना, तो हम पूछते हैं, आप भोजन करेंगे? आप भोजन कर लीजिए, आप प्रसाद तैयार है, भोजन तैयार है, कर लीजिए। ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम लोग रिश्तेदारों से, आए हुए अतिथियों से। लेकिन हम बेटे से, ए भोजन रखा, खा लेना, हम जा रहे हैं, निकाल के खा लेना, ये क्या है? बोलो, ये अधिकार है। क्या है ये एक माँ का बेटे के प्रति क्या है? अधिकार। माँ बेटे को डांट भी सकती है, माँ बेटे को अधिकार से कह सकती है, तूने भोजन क्यों नहीं किया, रख के गई थी, खा लेता। कहे बेटा कि आज तो आपने बनाया नहीं, अरे तो तू बना लेता। क्यों? ये माँ का क्या है बेटे के लिए? जोर से बोलो, जोर से, अधिकार। जैसे एक माँ अपने बेटे पर अधिकार जताती है, जैसे एक पत्नी अपने पति पर अधिकार जताती है, उसी प्रकार भक्त अपने भगवान पर अधिकार जताए, मेरे भगवान है। ये अधिकार तो आजकल है नहीं लोगों का, आप अधिकार तो जताती नहीं हो, बस लिपाई पुताई चालू है। पूरा चंदन यहां, आप जरा 1 किलो रोली रख दो लाके, और माताओं से कह दो कि आप जरा पूजा कर लो, जितनी समाएगी मुट्ठी में उतनी फेंक फेंक के मारेंगे, कहेंगे पूजा चल रही है, पूरा रंग देंगी, बिना होली का होली हो जाए, उनको लगता है यही पूजा है।
जहां खड़ी हो वहीं से चावल फेंक फेंक के मारेंगी, उनको लगता है पूजा। ये सब फॉर्मेलिटी, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत। भगवान से सच्चा प्रेम हो बस। कैसा प्रेम हो? विशुद्ध। विशुद्ध मतलब कोई कामना ना। सच्चा प्रेम भगवान से हो। आजकल तो हमारी माता 16 सोमवार व्रत रखती हैं, 17वीं सोमवार हिसाब करने पहुंच जाती है। हाँ भोलेनाथ जी, 16 सोमवार हो गए, बहू के बेटा ही हो, 16 सोमवार का ये फल दो हमें ना। माताओं, केवल माताएं नहीं, पुरुष भी इसमें सम्मिलित है। ये भक्ति नहीं है। आज लोगों ने भक्ति की परिभाषा ही बदल दी है। आज लोग भक्ति को अपने स्वार्थ से जोड़कर देखते हैं।